कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर छोटी मोटी चीजें हमको कहीं ना कहीं स्टक करती रहती है हमारे दिमाग में। एक बार तैयारी में ये बात ध्यान रखना कि हम लोग को अपने आप से थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस लाना। ऑल जितने भी बैंकर्स हैं आप सभी को बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये जैसा कौशिक सर ने कहा, ये आपकी मेहनत जो आप करते थे, और पता है जब ये करते हैं ना तो व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग ना, तो हम कभी इस दिन का वेट करते ही नहीं है। मतलब लगता ही नहीं कि यार वो पता ही हमारा दिन कब आएगा, क्योंकि हर दिन फेल्योर्स होते हैं, कभी मॉक में मार्क्स कम आ जाते हैं, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर छोटी मोटी चीजें हमको कहीं ना कहीं स्टक करती रहती है हमारे दिमाग में। एंड लगता है कि यार सबका हो रहा है, हमारा होगा कि नहीं होगा। जैसे एक दिन एक लड़का था, उसका इंस्टाग्राम पे मैंने उस मैसेज खोला, दिखा, बात बात किया, तो उसने मुझे याद है कि एग्जैक्टली 1 अप्रैल 2023 में मुझे मैसेज किया था कि सर आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ IBPS PO में, लेकिन सर मैं नेक्स्ट ईयर पक्का सिलेक्शन आपको लेकर दिखाऊंगा। वो मैसेज इनबॉक्स में पड़ा था, मैं देख भी नहीं पाया था। और उसी बच्चे ने इस साल जो है जब मैसेज किया कि सर इस बार जो है SBI PO फोड़ दिया आपके भाई ने, ऐसे लड़के तो इमोशनल जाते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देख, तूने एक साल पहले यही मैसेज मुझे किया था कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप खुद ये बोले थे कि ये हो जाएगा, फाइनली यू हैव मेड इट। तो एक बार तैयारी में ये बात ध्यान रखना कि हम लोग को अपने आप से थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है कि हाँ अगर मैं कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं एस कर जाऊंगा। और ये मैसेज मैं मोस्टली देना चाह रहा था कि जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं एस्पिरेंट्स, तो आप सब के अंदर जैसा सर ने बोला कि पॉजिटिव एनर्जी है, डेफिनेटली आप यहाँ पे हो एंड होना चाहिए आप सभी के अंदर। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप नेक्स्ट ईयर अच्छे सेलेक्ट होकर फिर से यहाँ पे आओ। और जो लोग भाई सेलेक्ट हो गए हैं, आप लोग तो अभी चांदनी चांदनी है, 4-5 महीने ऐश करना कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसा अमन ने बोला, बॉडी बाद बनाना, पहले ऐश कर लो अभी अच्छा आराम से, ठीक है, घूमो फिरो, ट्रिप पे जाओ, ठीक है। मुझे याद, जब सिलेक्शन के बाद मैं ट्रिप, मैंने अभी तो कम कर दिया हूँ, उस समय ट्रिप बहुत किया था मैंने, उदयपुर घुमा, यहाँ घुमा, जितने आसपास है महाराष्ट्र घूमो, खूब ऐश करो, क्योंकि यू हैव नाउ लाइक रियली मेड इट। बट हाँ, एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह जो भी हैं, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को खुश करना। और कौशिक सर ने बहुत अच्छी बात बोली, इवन रिमाइंड भी करवाया कि जो आपके पेरेंट्स हैं ना, सच में दे आर एजिंग और आपको पता नहीं चलता है, आप उनसे दूर रहते हो, अभी जॉब भी करने जाओगे तो दूर रहोगे, बट प्लीज उनका ख्याल रखना, ठीक है। क्योंकि तैयारी के टाइम ऐसे दिन आपको पता है होंगे, जब आप मम्मी से बोल दिया करते थे मम्मी मुझे उठा देना 3-4 बजे, तो वो उठा देती होंगी, तो वो आपके लिए जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं ना, वो आपको पता नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत किए हैं, बहुत करते भी हैं, ठीक है। तो आराम से आप लोग इन्जॉय करो, एंड थैंक यू सो मच गाइडली टीम का मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पे सेम इवेंट पे आया था एंड उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस बार बुलाया। ये वर्ड्स वैसे आकाश सर के हैं, लेकिन कॉपी कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन हाँ सच में गाइडली का ये मुझे अच्छा लगता है कि एजुकेशन को जैसा कि मासेस तक पहुँचाना और रीच करना, बाकी टीचर्स लोग, आशीष सर, अंकुश सर, सबसे आज मिला मैं, बहुत अच्छा लगा। एंड दूसरी बात ये कि हाँ, जैसे गाडली ने, मतलब इनका मुझे एक चीज़ ये सही लगा, मॉक टेस्ट की फील्ड में मतलब वैसे बहुत सब कंपनीज के मॉक टेस्ट हैं, अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन जैसे अभी क्या हुआ था आपको लास्ट ईयर का याद हो, जो एस्पिरेंट्स हैं जो एग्जाम निकाले उनको ही पता होगा, RRB PO का जब सबसे पहला पेपर हुआ था एग्जामिनेशन का, तो बहुत ही वियर्ड सा पेपर, टफ थोड़ा आ गया था RRB PO का। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि थोड़ा सा ऐसा था बच्चों में कि जो लोग गाइडली के मॉक लगाए थे, तो उनको लगा था, कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ इस लेवल का पेपर आया था। तो जिस तरह से लेवल सेट हो रहा है, उस तरह से इन्होंने जो मॉक टेस्ट को सेट किया है, एंड ये बहुत ही काबिल तारीफ है, ठीक है। एंड अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा गाइडली टीम को फॉर इन्वाइटिंग मी एंड ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच।